अबे बंद हो जा तो लो भैया फिर से अब अपना चूतिया कटवाने आ गए, मतलब ग्रेनी के घर में आ गए। यार वो पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं बार बार होएगा। अभी मैं थोड़ा सा ग्रेनी के घर की जानकारी लेके आया हूँ। मतलब यूट्यूब पे मेरे को पता चला था कि उसका घर कैसा है, कैसे वर्क करता है। ये फोटो गिर गई, इससे क्या होएगा? हाँ मतलब इसकी आवाज, ये तो साली वो सुअरी आएगी ना, देखो आ रही है ये। वैसे देखो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, कि मैंने जानकारी निकाली, इतनी कुछ ज्यादा खास जानकारी है नहीं, तो मतलब तुम ऐसा बस सोच लेना, मैं तुमको एक बार भाई ये स्केप करके दिखा दूंगा। यार मेरे से नहीं होएगा, अभी होएगा, मतलब ऐसे एकदम से नहीं होगा। आ गई साली सूरिया वो लठ लेके, वह खुल जाए ये मेरे को। हाँ इस किताब का पता है मेरे को क्या करना है, चलो बगते इधर से इसकी भैंस का ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जाके मतलब मेरे को इसको कहीं पर लगाना है। अबे ये यहीं पे चुप जाता हूँ, भी वो आ रही है मेरे पीछे। इसकी भैंस का बंद हो जा। सारी सूरिया दरवाजे के पास कैसे आई बे अंदर यार, मैंने मतलब बंद कर दिया था इसको। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन ये ग्रेनी वाले ना यार हमारा चूतिया काट रहे हैं, जो कुछ भी कर दे रहे यार। मतलब मेरे दरवाजा बंद कर दिया तो ये अंदर कैसे आई? पर ये तो भूत है ना, आ सकती है यार। मतलब मैं सोचता नहीं हूँ यार, ये ऐसे ही बोल देता हूँ कभी कभी। वैसे भूत है तो आ सकता है अंदर, एकदम से आ सकता है, बट यार ऐसे नहीं आना चाहिए, इनको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना चाहिए। हमारे कलेजे में ऐसे है ना, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है भैया, तुम समझते नहीं हो। यार छोड़ो दोबारा से चलते हैं, वो किताब उधर ही। ओए बुढ़िया आ गई इसकी भैंस का, भागो इसकी अम्मा को नमन। साले आएगी इधर ही आएगी वापस, क्योंकि वो मैंने अभी वो तस्वीरें गिराई है ना, तो उधर ही आएगी वापस। अभी देखता हूँ आती है कि नहीं यार, आएगी ना। अब आई आई लठ लेके आ रही है भैंस, ये मेरे को लगता है मेरे पिछवाड़े पे देखे ही मानेगी। अबे ये घंटी कैसे बजती है उधर? वो रस्सी सी लगी हुई है शायद, उससे बजती है, मेरे को मतलब इतना पता नहीं है, बट शायद उधर से ही लगती है। अभी वो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो ये बुक उठाता हूँ पहले, तो इस बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ। मेरे को पता है इसके अंदर टपा टपी किया जाता है, बट छुप जाता है यार ये मेरे को। मतलब छुपने के लिए कोई जगह ऐसा है ना, ऐसा नहीं सोचता हूँ इधर क्या होता है, मैं बस छुप जाता हूँ। खैर छोड़ो, अभी वो आ नहीं रही है, इसका मतलब उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। मैं छोड़ दिया ना, मतलब तुम ऐसा मत करना कि तुम आ जाओ एकदम से और मेरा मतलब मेरे को डरा दो यार। भाई आ रही है क्या? नहीं आ रही, ऐसा कैसे नहीं आ रही यार, अभी तो मेरे पीछे पड़ी थी। चलो चलो छोड़ो, मेरे को क्या है, मैं तो इसके अंदर से कुछ ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाए ना भैया, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ मेरे हाथ में तो किताब है ना, मैं तो भूल गया इस किताब को उधर लगाना है। चलो उधर चलते, लेकिन वो इधर भी हो सकती है, आराम से जाना पड़ेगा। ढोले होले बाल माँ, धीरे धीरे बाल माँ। ओहो आवाज़ हो गई भाई, अब आ ना जाए भाई, मेरे को लगता है आएगी। दरवाजा बंद कर देता हूँ। इसकी भैंस का भागो, आ गई भाग में साले सुअर, वो आ गई भाग 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 भाग। अरे एक तो ये लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, आ गई बे साले भाग। ये लंगड़ा के क्यों चल रहा है मेरे को पता नहीं है भाई, ये लग सकता है इसको वो मतलब पिछली बार इसको पकड़ा था ना, तो इसकी टंगड़ी काट दी होगी। खैर छोड़ो बे, मैं कुछ भी करके भग जाऊंगा, लेकिन उसके हाथ नहीं आऊंगा। तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है सुअर, देखो उधर से जा रही है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इधर से इसको ओपन करता हूँ, और देखो मतलब इधर से है ना एक वो, देखो ये खुलता है, इसके अंदर मेरे को ये बुक लगाने का है, फिर ये बुढ़िया मर जाएगी। अभी कुछ देर बाद ये अपने मुँह से एक चाबी उगलेगी, उसको मेरे को लेके जाना है। फिर क्या करना है उससे, मेरे को एक टनल है उसको खोलना है, मतलब एक गुफा है, उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर जाना है। अब उसके अंदर मेरे को क्या करना है वो मेरे को नहीं पता। खैर मिलते अगले।